मोदी जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले, सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना, देश के आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेवारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है, इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री है, सभी सदस्यों का, सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर ये इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के 17वीं वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया, हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया, अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है, और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं, दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई,
वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेवारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का, लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी कथनी करनी में जब तक अंतर रहेगा, तब तक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं, उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते। माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। माननीय सदस्यगण, इस भवन के और विधानसभा के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जितने लोग इस मंदिर के पुजारी बनकर आए और विदा हो गए, लोग आए गए, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई,